शाक्स, अभी अभी एक धासु स्कीम के बारे में पता चला है, 21 दिन में पैसा डबल। भाई भाई थम जा, ये स्कीम नहीं स्कैम है। शाक्स, आपने ऐसी स्कीम्स के बारे में कई फिल्मों में या मार्केट में सुना होगा, बट एक जगह जहाँ आपका पैसा सेफ है वो है गोल्ड। और इसीलिए हम हिंदुस्तानी सालों से गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आज इंडियन वुमेन के पास में लगभग 25,000 टन गोल्ड है, जो कि US रिजर्व से भी ज्यादा है। और हर साल इंडिया में लगभग 7 लाख करोड़ की गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी परचेज की जाती है। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से इसमें से 20% से भी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी एडवांस परचेज प्लान्स या गोल्ड ज्वेलरी सेविंग्स प्लान्स के थ्रू खरीदी जाती है। जी हाँ शाक्स, जैसे मेरी वाइफ शिवानी सालों से अपने पसंद के ज्वेलर के पास कुछ पैसे सेव करते आ रही है। वो होती है ना 10+1 टाइप वाली स्कीम, जिसमें शिवानी हर मंथ फिजिकली जाके उस ज्वेलर के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करती है और ज्वेलर 11वें महीने की इंस्टॉलमेंट एज अ डिस्काउंट उसे दे देता है, ताकि वो उससे ज्वेलरी खरीद सके। लेकिन शख्स, इन स्कीम्स में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ना ये पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही अपना ज्वेलर बदल सकते हैं। और एक साल के बाद जो आपको ज्वेलरी खरीदनी है उसके लिए ज्वेलर आपको आज डिसाइड करना पड़ता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम शिवानी फेस कर रही थी, इसलिए हमने हमारा ऐप बनाया प्लस। हाय शख्स, मैं हूँ राज। और मैं हूँ वीर। और हम आए हैं बैंगलोर से। प्लस एक इजी टू यूज गोल्ड एंड ज्वेलरी सेविंग्स ऐप है, जहाँ यूजर्स हर मंथ में अपने पसंद का अमाउंट सेव कर सकते हैं, जो कि RBI रेगुलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। और पता है शार्क, सबसे बेस्ट पार्ट क्या? पिछली बार की तरह जहाँ वो एक ज्वेलर से टाइड अप थे, अब वो हमारे किसी भी पार्टनर ज्वेलर से ज्वेलरी डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। जी शार्क, हम अपने यूजर्स को देते हैं 10% का रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ये यूजर्स बिना किसी पेनल्टी के अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 20,000 से भी ज्यादा हिंदुस्तानी हमारे ऐप से जुड़ चुके हैं और लगभग 45 लाख की सेविंग हमारे ऐप पे कर चुके हैं। हमारा ऐप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। और हमारा विजन है कि अगले 5 साल में इस ज्वेलरी सेविंग्स मार्केट का एक साइजेबल अमाउंट हम अपनी ऐप के थ्रू चैनलाइज करें। इसी विजन को अकम्प्लिश करने के लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट और 60 लाख रुपीज फॉर 1% इक्विटी इन आर कंपनी। तो शार्क्स, क्या कहते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी प्लस कर दे? वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक्स। चलो अपना ऐप दिखाइए। श्योर। सुशाक्स, हमारा ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे सेव करने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, एक मंथली सेविंग, जो आप ऑलरेडी जैसे ज्वेलर के पास कर रहे थे, आप उस तरीके से एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 10% का IRR आता है। और दूसरा, वन टाइम सेविंग, जिसमें आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसपे 10% का एक अप्रॉक्सिमेटली फिक्स रिटर्न आता है। तो लेट्स से यूजर बोलता है कि उसे मंथली सेव करना है, तो यहाँ पे वो अपना अमाउंट और टेन्योर डिफाइन कर सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट यह है शार्क्स कि यहाँ पे अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर लेते हैं तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। और सिर्फ 7 दिन का लॉक इन है, मतलब अगर आप 8वें दिन भी पैसा विड्रॉ करते हो तो 8 दिन का रिटर्न आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो लेट्स से यूजर ने यहाँ पे हमारे ऐप पे सेव कर लिया, वो जब एक बार सेव करता है तो वो अपनी सेविंग्स इस डिजिटल पासबुक पे एक्सेस कर सकता है, जहाँ वो देख सकता है कि उसके कितने पेमेंट्स हो चुके हैं। और अगर उसे कोई अर्ली पेमेंट करना है तो यहाँ से अर्ली पेमेंट भी कर सकता है, और इन अ सिंगल टैप अगर वो चाहे तो अपना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो लेट्स से अगर यूजर बोलता है उसे ज्वेलरी खरीदनी है, तो हमारे पास 320 से भी ज्यादा ज्वेलर पार्टनर्स हैं, तो वो किसी भी ज्वेलर के पास जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। और अगर यूजर पैसा विड्रॉ करता है तो हमारी कस्टमर सक्सेस टीम भी उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनके ज्वेलरी प्रेफरेंस समझ के उनके लिए बेस्ट डिस्काउंट भी हमारे ब्रांड से अवेल करती है। बट इन फ्यूचर अपडेट्स यहाँ पे ही यूजर देख पाएंगे कि कौन सा ज्वेलर उनके इस सेविंग पे और कितना बेनिफिट दे रहा है, ताकि वो सिंगल टैप में यहीं से पे भी कर पाए उस ज्वेलर के पास। पर अभी तक इट डजंट मेक सेंस फ्रैंकली कि ये तो बेसिकली सेविंग ऐप है और आप ज्वेलरी बता रहे हो कहाँ मिलती है। दैट्स इट। यू कुड जस्ट पुट दिस मनी इफ आई वाज अमन इनटू हिटलवाइज म्यूचुअल फंड और एनी अदर म्यूचुअल फंड वाया SIP। ये मार्केट पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। जो ऑडियंस इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है वो आज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। Is that because वो कैश मार्केट है? नहीं मैम, अवेयरनेस का इशू है, एजुकेशन का इशू है। होम मेकर्स का जो मार्केट है वो लोकल नेबरहुड या ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर से अटैच्ड होते हैं। महीने महीने वो पैसा जमा करते हैं। And the scheme is so made up that making charges discount हो जाते हैं, ये हो जाता है, और आपका gold price भी lock in हो जाता है। Gold price, that is the most important. Discount हो जाते हैं। So both sides it works. So हमने इसको jewelry पे focus इसलिए रखा है क्योंकि ये जो market है ये innovation के लिए desperate है आज की date में। नहीं ये बड़ी general बात हो गई यार, क्या innovation? This has nothing to do with jewelry. आपने jewelry use case apply कर दिया वो अलग बात। But जो आप कर रहे हो has nothing to do with you. नहीं अनुपम, थोड़ा बहुत है, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। The jeweler is actually using this as cost of acquisition, pushing that discount back to the, so the perceived जो value customer को दिखाई दे रही है
और जो एग्जिस्टिंग एक बिहेवियर है इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का, वो पूरी परसीव्ड वैल्यू को पैकेज किया जा रहा है यहाँ पे, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप कस्टमर का मैथ्स और ज्वेलर का मैथ्स अलग अलग से एक बारी बहुत सिंपल तरीके से समझा दीजिए। एक यूजर जब हमारे ऐप पे सेव करता है, लेट्स से उसने वन टाइम के लिए 1,00,000 रुपए सेव कर दिया मैथ्स इजी करने के लिए, okay. उसको ऐप पे 10,000 का रिटर्न मिला, correct. तो उसकी सेविंग्स टोटल हो गई 1,10,000 रुपए। और अगर वो गोल्ड ज्वेलरी लेता है तो 3,000 से 5,000 का उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, 5,000 पकड़ लेते हैं, हाँ, तो 1,15,000। तो वो 1,00,000 सेव करके 1,15,000 की ज्वेलरी हमारे ज्वेलर पार्टनर से कभी भी खरीद सकता है। मोटा मोटी आप ये बोल रहे हो ज्वेलर का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 10% होता है, ये बोल रहे हो मोटा मोटी जी? वो 10% एज एन एफिलिएट आप वो 10% ले रहे हो, हम वो यूजर को दिला रहे हैं, यूजर को दे रहे हो, तो आप कैसे पैसे बना रहे? हम लोग जो ये इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमारा एक टेक रेट रहता है, तो हम उस कमीशन बेसिस पे आज पैसे बना। कौन देता है वो कमीशन? वो कमीशन इस NBFC से आता है जहां ये पैसा इन्वेस्ट होता है। बेसिकली जब ये पैसा यूजर सेव करता है तो ये पैसा एक RBI रेगुलेटेड NBFC में जाता है जो P2P NBFC। व्हिच वन? दिस इज लेंडर्स। वो 10,000 में जो NBFC से आ रहा है और जो ज्वेलर से आ रहा है उसमें से आपको कितना मिलता है? हमें ज्वेलर से अभी कुछ भी नहीं मिलता है। ओके ग्रेट। NBFC से हमारी 2% की टेक रेट है, हमें 12% इंटरेस्ट मिलता है, हम 10% यूजर को पास ऑन करते हैं। 10% IRR इज एनुअल ना? हाँ। आप लोग लोगों के पैसे लेके सेव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, आप किस रेगुलेशन में आते हो, आपको पूलिंग करना कैसे अलग? तो इसमें पैसा कभी हमारे बैंक में हिट नहीं होता है, वो सीधा NBFC सीधा NBFC के पास ही जाता है, और ये आधार और पैन की KYC होने के बाद होता है। बेसिकली आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर जी, बस। What is the underlying risk of this NBFC that you are giving money to? Lendbox जो NBFC है, इनका एक product है per annum, जो हम लोग ने integrate किया है। इसमें ये लोग सिर्फ 2% जनता को ये लोग lend करते हैं जिनका credit score 750 and above है। और जो platforms पे through lending होती है, वो platforms काफी notable है। जैसे Credmint and BharatPay का similar ऐसा पैसे बना रहे हैं। Similar platforms. तो बहुत high risk business होता है। इन प्लेटफॉर्म का NP है 0.4%। अभी है ना 0.4%, पर वो यंग कंपनी है ना, बहुत रिस्क है। How old is this NBFC? This is 6 year old. अभी उनका टोटल AUM 23,000 करोड़। क्रेड 9% देता है और ये 12% देते हैं, 9.5. तो ये जो 2.5% है ना, यही रिस्क है। 12% पे लेंडिंग करोगे तो रिस्क है। ये वही बैट लग रहा है कि मुझ में पैसा डालो क्योंकि मैं दूसरों से बेटर इन्वेस्ट कर सकूं। सारी दुनिया यही समझती है। आप मेरे को ये बात बताइए, what is the risk free rate? I think somewhere between 6.75 या 7 तक के है। चलिए 6% मान लेते हैं, just for sake of conversation. That is also near risk free. There is no such thing in the world called risk free. हर परसेंटेज पॉइंट जो बढ़ेगा 6% के बाद, मतलब रिस्क उतना ज्यादा बढ़ गया। तो आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि 12% में इट इज काइंड ऑफ रिस्क फ्री, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, इट्स नॉट ट्रू, राइट? एक 6 साल पुरानी NBFC, अभी जिसने काफी सारे साइकल्स नहीं देखे होंगे, कुछ भी हो सकता है। 12% एक बहुत डेंजरस गेम है। सो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? लेट्स से आप वो यूजर को 10% नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करेंगे? यूजर के लिए एक एडवेंट रिस्क थोड़ी सी यहाँ पे दिखती है जो NBFC के फ्लेवर से आ जाती है। तो इसलिए हम लोग सेफर एसेट्स जो हमारे ऐप पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, दूसरा हम FDs भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐप पे। So, अगर किसी यूजर 10 नहीं बनेगा ना, हाँ, तो उसमें हम लोग दिखाएंगे कि NBFC में 10% बनेगा, गोल्ड में 2-3% दिखेगा, FD में उनको 6% बनेगा, लेट्स से वो उनको यहाँ पे दिखेगा और यूजर खुद अपने लिए डिसीजन ले पाएगा। हमारी FD की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है इसके साथ, बजाज फिनसर्व के साथ। आप जो मार्केटिंग ऑफ जो ज्वेलर का डिस्काउंट है, जो आपका रियल यूज केस है क्योंकि वो आज चलता है, ये तो ओवर एंड अबाउट दैट है, तो इसको आप 4% कर दो एंड ज्वेलर का ऐड करके आप उसको क्यों नहीं दिखाते हो? बिकॉज दैट्स योर रियल यूज केस, आप वो तो छुपा रहे हो। विनीता, हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट क्यों अभी तक वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग तो हाइजीन है ना इस इंडस्ट्री का। ये जो पार्टनरशिप्स होती है ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, तो आपकी नहीं हुई है अभी तक? नहीं, एक पार्टनरशिप रिसेंटली क्लोज हुई है, एक के साथ हुई है, बाकियों के साथ नहीं हुई है, तो अभी तक वो वाला आप कर नहीं पाए। सेल्स का क्या हाल है? जैसे मैंने बताया, 3 महीने पहले हमने लाइव किया था, राइट? पहले महीने में ऐप पे सेविंग्स हुई कुछ अराउंड 5,00,000 की, दूसरे महीने में हमारे ऐप पे सेविंग्स 10,00,000 बढ़ गई, और दिवाली वाले महीने में जिसमें फेस्टिव सीजन था उसमें हमारी सेविंग्स थोड़ी इंक्रीज हुई थी, टोटल सेविंग्स ऐप पे हो गई थी 32,00,000, ठीक है? और अभी हम लोग 45,00,000 ऑलरेडी कर चुके हैं और इस मंथ का एंड का ट्रैक है 50,00,000, ठीक है? तो और आपके इन्वेस्टमेंट्स किसने करी है इस बिजनेस में? हम
हमने दो राउंड रेस किया है। पहला राउंड एकदम आइडिया स्टेज पे था, जो VCATS, WFC और जीतो ग्रुप के थ्रू आया था, और कुछ इंडिविजुअल्स भी उसमें आए थे। हमने फंड रेस किया था 2.59 करोड़ एट 20 करोड़ प्री मनी वैल्यू। ओके, उसके बाद हम लोग ने हमारा जो रिसेंट MVP है ये लॉन्च किया, और ये लॉन्च करने से पहले हमने अपना लास्ट राउंड है वो ओपन किया था, जिसमें हमने 4 करोड़ अभी रिसेंटली SHA क्लोज किया। At what valuation? This is 40 crore post money. किससे लिए पैसे? हमारे सारे existing investors ने reinvest किया है। Revenue कितना है? लेकिन आपका जो बिजनेस है ना बॉस, वो ज्वेलरी बिजनेस नहीं, आप एक सेविंग्स स्लैश वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्लस लीड जेनरेशन फॉर ज्वेलरी। लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए, इसका रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल अभी तक पूरी तरह दिमाग में नहीं बैठ रहा। ओके, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आई थिंक आपकी लैक ऑफ जजमेंट जो थी कि आपने इस पैसे को एक ऐसी NBFC में डाला जो 12% इंटरेस्ट निकाल रही है, आई थिंक दैट इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि ऐसी रिस्क लेना इज समथिंग जो आई वुडंट वांट टू समबडी हु आई एम ट्रस्टिंग माय मनी विद टू टेक। ठीक है, तो आई एम आउट, बट बेस्ट। फंडामेंटली मुझे आपका यूज केस स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। जो आप सेविंग्स इनेबल करना चाहते हैं वो बहुत बड़े रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और उनकी अवेयरनेस कम है लेकिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, आई थिंक आपकी रेगुलेटरी और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस NBFC। अगर आप कल को NBFC के अलावा भी ऑप्शन देना चाहेंगे, मुझे ये रेगुलेटरी ग्रे एरिया लग रहा है, इसलिए आई एम आउट। आपने MSSS का नाम सुना है? MSS? MSS होता है मम्मी सेविंग स्कीम। जब कहीं पैसे नहीं होते ना तो मम्मी के पास पैसे निकल आते हैं। एक साइकोलॉजी होती है मॉम्स की कि सेविंग करनी है, कहीं पे रखना है जो बाकी रिस्क से अलग हो। वो यहाँ पे कभी नहीं आएंगी क्योंकि ये वैसे ही इतना रिस्की है। और वो लोकल अपने ज्वेलर के पास भी क्यों जाती है? क्योंकि उनको उस पर ट्रस्ट है। वो आपके पास कभी नहीं। अभी आप कैसे इसको आप प्रोडक्ट मार्केट फिट करके क्या करोगे, कैसे घुमाओगे, क्या कॉम्प्लिकेशन करोगे, मुझे नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली मैं इससे आउट हूं। ये जो मेकिंग चार्जेस वाला पार्ट है वो अगर काम नहीं करेगा, और ये अगर IRR जो आप 10% की दे रहे हैं वो 5% के आसपास, 4-5-6% के आसपास ही रहे, तो वो बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? जी करेगा। करेगा कैसे? करेगा 4-5% का इंटरेस्ट रिस्क फ्री सेविंग से, और लगभग 8-9% का जो डिस्काउंट है वो ज्वेलर की तरफ से हमारे पास में आज भी अवेलेबल है। हमने P2P से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी वो हमें वहां पर मिली। और ऐसा नहीं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी आपको? हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी विड्रॉल की, ताकि ये यूजर अपना पैसा जब मर्जी तब विड्रॉ कर सकते हैं। और हमें इंटीग्रेशन जल्दी करके मार्केट में वैलिडेट करना था कि क्या हमारे यूजर्स हमें ट्रस्ट कर पा रहे हैं और इस ऐप पे सेव कर रहे हैं। अभी हमारे पास में सारे 320 ज्वेलर्स के पास में एक डिस्काउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है। ज्वेलर के साथ डील क्या है? हर एक ज्वेलर की अलग डील है। तो एवरेज डील क्या है? एवरेज डील आप मान के चलिए डायमंड पे लगभग 6-8% और गोल्ड पे 2-5%। ओके, आई एम विलिंग टू टेक अ बेट। ऑलराइट, 60 लाख्स एट 40 करोड़ वैल्यूएशन, 1.5%, दैट्स द ऑफर। चलो झप्पी दे दो, खत्म। इट्स अ ग्रेट ऑफर। इट्स अ ग्रेट ऑफर। I think it's a deal. Happy with it. Okay. Thanks a lot, Varun. You won't regret this. Founder better लगे मेरे को। वो space बन रहा है। अगर आपने काफी सारे jewelers tie up कर लिए और उनसे आपने discounts अच्छे खींचने शुरू कर दिए, it becomes a treasury management business. It's a float business. हाँ।